Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we will start our first chapter, that is numeration. इस चैप्टर में हम बच्चों सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूमरल्स क्या होते हैं. न्यूमरल्स के बारे में पढ़ेंगे. न्यूमरल्स क्या होते हैं? न्यूमरल हम उन्हें बोलते हैं जब हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं. किससे? उसके सिंबल से. When we will represent any number by their symbol, that is known as numeral. Numeral. Suppose that I am taking an example, 8. 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? Numbers की form में भी लिख सकते हैं, Roman में भी लिख सकते हैं and words की form में भी लिख सकते हैं. तो it means these are the numeral of 8. And second topic जो हम पढ़ेंगे इस chapter में, वो पढ़ेंगे place value. किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? प्लेस वैल्यू के बारे में. प्लेस वैल्यू क्या होता है वो मैं आपको भी बताऊंगा. तीसरी चीज, थर्ड वन हम इसमें पढ़ेंगे, फेस वैल्यू. फेस वैल्यू ऑफ एनी नंबर क्या होती है वो भी हम इसमें पढ़ेंगे. सबसे फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे, न्यूमेरल तो हमने पढ़ लिया, आफ्टर न्यूमेरल हम पढ़ते हैं प्लेस वैल्यू के बारे में. पहले हम बताते हैं आपको प्लेस वैल्यू क्या होता है. प्लेस वैल्यू, सपोज डेट मैंने क्या करा, एक नंबर लिया 6342. 6342 इस नंबर में बच्चों, जैसा कि आपने थर्ड क्लास में पढ़ा था, जो फर्स्ट डिजिट वाली वैल्यू होती है वो किसकी वैल्यू होती है, और सेकंड वाली किसकी होती है, और थर्ड वाली किसकी वैल्यू होती है. फर्स्ट वाली जो वैल्यू होती है वो होती है वंस की. किसकी? फर्स्ट प्लेस की जो वैल्यू होती है वो होती है वंस प्लेस की. ओके, सेकंड वाली जो वैल्यू होती है वो होती है टेंस प्लेस की. कौन से प्लेस की वैल्यू होती है? टेंथ प्लेस की. एंड थर्ड वाली जो वैल्यू होती है वो होती है 100 प्लेस की. ओके, एंड फोर्थ वाली जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है 1000 प्लेस की. इट मींस इसमें जब हम देखें तो हम जब देखते हैं तो टू वंस, इट मींस इसको हम क्या लिखेंगे, टू, और फोर टेंस. फोर टेंस का मीन क्या है? फोर टाइम टेंस, फोर मल्टीप्लाई टेन. तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? 40. वैसे ही जो थर्ड प्लेस की वैल्यू है इसका मीन क्या है? 300. कितने हंड्रेड्स है? 3 मल्टीप्लाई हंड्रेड्स. कितने हंड्रेड्स है बच्चों? 300 है. एंड 1000 वाली वैल्यू में कितने 1000 है बच्चों? 6000 है. कितने 1000 है? 6000 है. अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? प्लेस वैल्यू. क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? प्लेस वैल्यू. ओके, अब यहीं से हम देखते हैं प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू जो 6 है, 6 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 की कितनी है? 300. 6 की कितनी है? 6000. तो इसको जब हम व्हेन वी विल ऐड बोथ दिस नंबर्स, दैट इज नोन एज व्हाट? प्लेस वैल्यू ऑफ एवरी डिजिट. तो 6 की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई? 6000. 3 की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई? 300. 4 की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई? 40. 2 की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई? 2. ओके, अंडरस्टूड. अब हमारा जो सेकंड टॉपिक था, सेकंड टॉपिक में हम पढ़ेंगे फेस वैल्यू. क्या पढ़ेंगे बच्चों? फेस वैल्यू. फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू, सपोज डेट फेस वैल्यू हमारे पास एक नंबर, हम यही नंबर ले लेते हैं 6342. सेम नंबर हमने लेट कर लिया एग्जाम्पल में. ओके, एग्जाम्पल में हमसे उन्होंने क्या पूछा है कि जो 4 है, 4 की हमें क्या बतानी है? फेस वैल्यू बतानी है. 4 की हमें क्या बतानी है? फेस वैल्यू बतानी है. अब 4 की फेस वैल्यू क्या होगी? 4 की फेस वैल्यू 4 ही होगी. ओके, 4 की जो फेस वैल्यू होगी वो क्या होगी? 4 ही होगी. ओके, उन्होंने हमसे पूछा होता कि आप बताओ 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी. कौन सी वैल्यू? प्लेस वैल्यू. तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या थी हमारे पास? 40. ओके, तो हम ऐसे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को क्या कर सकते हैं? इजिली डिफाइन कर सकते हैं. ओके, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 1.1. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. हमारे पास जो स्लाइड है, स्लाइड में फर्स्ट एग्जांपल जो है, फर्स्ट एग्जांपल कितना है बच्चों? एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 315. इसमें हमें क्या करना है? राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 5. किसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है? 5 की प्लेस वैल्यू लिखनी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. जितने भी पार्ट्स है इसके
उन सभी पार्ट्स में हमें जो 5 है, 5 की क्या लिखनी है, प्लेस वैल्यू राइट करनी है. वी हैव टू राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन ईच ऑफ द पार्ट. फर्स्ट पार्ट आई एम डूइंग एंड रिमेनिंग पार्ट यू हैव टू डू इन योर नोटबुक. फर्स्ट पार्ट में जो 5 है, 5 कौन सी प्लेस पर है? 5 है वंस की प्लेस पर. कौन सी प्लेस पर है? वंस की प्लेस पर है. तो इसीलिए इसकी सो इट्स प्लेस वैल्यू इज 5. मैं एक और पार्ट कर देता हूं, बी पार्ट. बी पार्ट में, इन बी पार्ट 5 इज ऑन 100 प्लेस. इट्स 1, 10 एंड 100. सो इट्स अ प्लेस वैल्यू इज 500. ओके, एंड रिमेनिंग पार्ट यू हैव टू डू इन योर नोटबुक. नाउ सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म. हमें क्या करना है, जो ये नंबर्स है, इन नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. कौन सी फॉर्म में लिखना है? एक्सपेंडेड फॉर्म में. अभी हमने एग्जांपल में करा था ना, फर्स्ट जब हम प्लेस वैल्यू समझ रहे थे, जब हमने उसको अलग अलग डिफाइन करके लिखा था, तो वही क्या होता है बच्चों, एवरी डिजिट की जब हम प्लेस वैल्यू को एड करके लिखते हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं. लाइक ये कौन सी प्लेस पर है? वंस की प्लेस पर है. दिस इज ऑन 10th प्लेस, दिस इज ऑन 100 प्लेस. ओके, तो सो इट विल बी 500 प्लस 90 एंड प्लस 8. दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 598. सेम एज आपको सेकंड पार्ट भी करना है. इसमें हमें क्या करना है, इसको भी हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. तो इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये कौन सी प्लेस पर है? वंस की प्लेस पर है. दिस इज ऑन 10th प्लेस, दिस इज ऑन 100 प्लेस. तो कितना है, 3 कौन सी प्लेस पर है? 100 की प्लेस पर है. एंड 0 है तो 0 को हम 0 ही डिनोट करेंगे. एंड 4 कौन सी प्लेस पर है बच्चों? वंस की प्लेस पर है. तो इट विल बी ओनली 4. एंड रिमेनिंग पार्ट यू हैव टू डू इन योर नोटबुक योर सेल्फ. थर्ड क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट एक्सरसाइज इज राइट द कॉम्पैक्ट न्यूमरल. अभी हमने पढ़ा था ना, न्यूमरल क्या होता है, किसी भी नंबर को उसके सिंबल में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, न्यूमरल कहलाता है. द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी नंबर बाय देयर सिंबल इज नोन एज न्यूमरल. तो हमारे पास यहाँ पर वी हैव 50 प्लस 6. व्हेन वी विल ऐड 6 विद 50 देन इट विल बी 56. ये कितना हो जाएगा बच्चों, 56. जब हम क्या करेंगे, 50 में 6 को ऐड करेंगे तो इट विल बी 56. सेम एज वी हैव टू डू इन बी पार्ट आल्सो. 700 प्लस 50 प्लस 8, इट विल बी 758. हमने क्या करा, इस एक्सपेंडेड फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके न्यूमरल में कॉम्पैक्ट कर दिया. अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन जो हमारा वो क्या है, फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग नंबर अलाउड एंड द राइट देम इन न्यूमरल. हमें क्या करना है, ये जो नंबर्स है फोर्थ क्वेश्चन में, इसे हमें लाउडली रीड करना है और इसे हमें कौन सी फॉर्म में लिखना है, न्यूमरल की फॉर्म में लिखना है. कौन सी फॉर्म में लिखना है, न्यूमरल की फॉर्म में लिखना है. तो फोर्थ क्वेश्चन हम करते हैं. फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ए पार्ट. क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ए पार्ट आप रीड कर सकते हैं वहां से. उसमें क्या लिखा है, 3512. व्हाट इज रिटन देयर, 3512. ओके, तो हमें बच्चों इसका क्या करना है, इसको हमें न्यूमेरल की फॉर्म में लिखना है. कौन सी फॉर्म में लिखना है, न्यूमेरल की फॉर्म में लिखना है. लिखा है ना क्वेश्चन में हमारे, इसमें रीड द फॉलोइंग नंबर अलाउड एंड देन राइट द न्यूमेरल. हमारे पास क्या है, 3000. हम इसको इजी और कर लेते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड. हमारे पास लास्ट वैल्यू कौन सी है, थाउजेंड की वैल्यू है. तो थाउजेंड की वैल्यू कितनी है, 3. तो इट मीन्स 3005 कौन सी प्लेस पर आएगा बच्चों, 100 की प्लेस पर आएगा. इट विल बी ऑन 100 प्लेस. उसके बाद क्या है, 12. एट लास्ट वी विल राइट 12. तो दिस इज द न्यूमेरल फॉर्म ऑफ 3512. रिमेनिंग पार्ट यू हैव टू डू योरसेल्फ इन योर नोटबुक. एंड नाउ
फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स। हमें फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करना है, ये जो वर्ड्स हैं, जो हमारे पास वर्ड दिए हुए हैं, इन वर्ड्स को किस में लिखना है बच्चों, वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट पार्ट जो हमारा क्या है, 6009, इससे हमें क्या करना है, वर्ड की फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, हमें कैसे पता चला कि दिस इज 6009, हमने क्या करा, इसकी प्लेस वैल्यू चेक करी, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। सिक्स कौन सी प्लेस पर है बच्चों, थाउजेंड की प्लेस पर है, दैट्स व्हाई इट विल बी 6000। उसके बाद हंड्रेड की प्लेस पर क्या है, जीरो, लिखने की जरूरत नहीं है। वंस की, सॉरी, टेंस की प्लेस पर क्या है, जीरो, उसे भी हमें यहां पर राइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड वंस की प्लेस पर नाइन है, तो 6009, ओके। तो हमने क्या करा, फर्स्ट पार्ट फिफ्थ क्वेश्चन का ए पार्ट जो है उसको हमने वर्ड की फॉर्म में लिखा, ओके। एंड ऐसे ही आपको इसका बी पार्ट एंड सी पार्ट, ओनली बी पार्ट है, आपको बी पार्ट करके रखना है। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट। आपको क्या करना है सिक्स्थ क्वेश्चन में, जो फोर डिजिट की स्मॉलेस्ट, ओके, एंड ग्रेटेस्ट, ये दोनों ही डिजिट्स आपको लिखनी है। किसकी, फोर डिजिट की आपको स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट दोनों ही वैल्यूज लिखनी है। हमें फोर डिजिट की स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट दोनों ही वैल्यूज लिखनी है। तो हमें कभी भी किसी भी डिजिट की, हमें किसी भी डिजिट की क्या लिखनी हो, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू लिखनी हो, तो मैं आपको बताता हूं आप कैसे लिखेंगे। हमें क्या बोला है, फोर डिजिट की ग्रेटेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखने में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्लेस वन, एंड वन के बाद हमें कितनी डिजिट कंप्लीट करनी है, फोर डिजिट कंप्लीट करनी है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, थ्री जीरोस लगा देंगे, तो कितनी डिजिट हो गई, 1, 2, 3, 4, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखने के लिए। अब ग्रेटेस्ट वैल्यू कैसे लिखेंगे, जब भी हमें किसी भी डिजिट की हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू लिखनी है, तो जितनी डिजिट है उतने टाइम्स हम 9 लिख देंगे। तो अभी हमारे पास कितनी डिजिट है, 4 डिजिट, तो 4 डिजिट की ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी 9999। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7 इज फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट साइन। हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है विद द करेक्ट साइन। 3632 एंड ब्लैंक्स है 3632। हमें क्या करना है बच्चों, इसमें हमारे पास कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, कुछ हमारे पास, वी हैव सम सिंबल्स फॉर दिस फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो हाउ टू यूज ग्रेटेस्ट वैल्यू, लेस देन वैल्यू एंड इक्वल टू वैल्यू। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो कि व्हाट इज लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। हमें पहले इन तीनों सिंबल को समझना है, ये तीनों सिंबल्स कैसे हम डिफाइन करते हैं। सपोज दैट वी हैव थ्री डिजिट नंबर 362, ओके, एंड 564। इस दोनों वैल्यूज में हमें क्या करना है, हमें डिफाइन करना है कि कौन सी वैल्यू में कौन सा साइन आएगा, इस बॉक्स में कौन सा सिंबल आएगा। तो देखिए, इस इन दिस पार्ट इन लेफ्ट हैंड साइड देयर इज 3 ऑन 100 प्लेस, इन दिस साइड देयर इज 5 ऑन 100 प्लेस, यस और नॉट, यस ना, वंस, टेंस, देयर इज 3 ऑन 100 प्लेस एंड देयर इज 5 ऑन 100 प्लेस, इट मींस व्हिच वैल्यू इज ग्रेटर, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू ना, तो सो वी विल पुट दिस सिंबल, इट्स मींस 562 इज ग्रेटर देन 362। तो ऐसे ही हमें इन सिंबल्स का यूज करके क्वेश्चन नंबर 7 को क्या करना है, कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो ए पार्ट है, ए पार्ट में आप मुझे बताइए, 3000, देयर इज 3000
632 and then blank, then after 3632. अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक बोथ वैल्यूज. हम पहले क्या करेंगे, दोनों ही वैल्यूज को चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, कौन सी वैल्यू लेस देन है, और कौन हो सकता है दोनों वैल्यूज क्या हो बच्चों, इक्वल भी हो सकती है. तो आप देखिए इसके वंस की प्लेस पर क्या है, टेंस की प्लेस पर क्या है, हंड्रेड की प्लेस पर क्या है, और थाउजेंड की प्लेस पर क्या है. ओके, वंस की प्लेस, टेंस की प्लेस, हंड्रेड की प्लेस, थाउजेंड की प्लेस. थाउजेंड की प्लेस हम कहां से, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं. थाउजेंड की प्लेस पर थ्री है, यहाँ पे थाउजेंड की प्लेस पर थ्री है. हंड्रेड की प्लेस पर सिक्स है, हंड्रेड की प्लेस पर सिक्स है. टेंस की प्लेस पर थ्री है, टेंस की प्लेस पर थ्री है. वंस की प्लेस पर टू है, वंस की प्लेस पर टू है. इट मीन्स बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल. नाउ बी पार्ट, बी पार्ट इज 3792, 3792 and fill up, and after that 3972. First of all we will compare both values. This is on ones place, tens place, hundred place and thousand place. Ones place, tens place, hundred place and thousand place. Now first of all we will check thousand place value. This is 3 and this is, there is also 3, so both are equal. On the hundred place there is 7 and there is 9. It means this is less than of this number. So we will put 3972 is greater than 3792. Okay, understood? And remaining question you have to do yourself in the homework. And now question number 8. From the largest and smallest number using each of the given digit only once. हमें क्या करनी है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में, इन द क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास कुछ डिजिट्स गिवन है. क्या है, कुछ डिजिट्स गिवन है. विद द हेल्प ऑफ दैट डिजिट वी हैव टू मेक स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू. क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में वी हैव गिवन सम डिजिट्स. तो डिजिट्स कौन कौन सी है हमारे पास, डिजिट है ए पार्ट में 53526. इसका यूज करके हमें क्या करना है, दो वैल्यूज बनानी है. कौन सी वैल्यूज बनानी है, वी हैव टू मेक टू वैल्यूज. फर्स्ट इज स्मॉलर एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू, दोनों डिजिट बनानी है, स्मॉलर वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू. तो स्मॉलर वैल्यू हम कैसे बनाते हैं बच्चों, स्मॉलर वैल्यू बनाने के लिए भी इन्हीं डिजिट का यूज करना है, और ग्रेटेस्ट वैल्यू भी बनाने के लिए इन्हीं डिजिट्स का यूज करना है. तो जब भी हमें स्मॉलर वैल्यू बनानी हो तो हम क्या करेंगे, इस डिजिट में जो सबसे छोटी यूनिट है, जो सबसे छोटी डिजिट है उसको सबसे पहले राइट करेंगे, टू, एंड आफ्टर दैट उससे बड़ी वैल्यू. आपने पढ़ा था ना असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, तो उसी वे में हमें इसे लिखना है. जब भी हमें स्मॉलर वैल्यू बनानी होती है तो हम इन डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करते हैं. तो 2, 3, 5, 6, ओके, दिस इज द स्मॉलर वैल्यू फ्रॉम दिस डिजिट. एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर लेंगे इन वैल्यूज का. डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, 6, 5, 3, 2. ओके, दिस इज द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन. नाउ ए पार्ट आई हैव डन, बी पार्ट यू विल यूर डू योर सेल्फ. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, राइट द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर. क्वेश्चन नंबर 9, राइट द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर. नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें यूज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज को राइट डाउन करना है. फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 की, जो फर्स्ट पार्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का, उसकी वैल्यूज आपके स्क्रीन पर है, उसे आप देखिए. फर्स्ट जो वैल्यू है 3619, एंड सेकंड वैल्यू जो है हमारे पास, सेकंड वैल्यू 2013, एंड थर्ड वैल्यू इज 6354, एंड फोर्थ वैल्यू इज
1598 and last value is 735. हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, हमें क्या करना है इसको, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ओके, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, अंडरस्टूड। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू डिफाइन करेंगे, ओके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटी वैल्यू जो है इन नंबर्स में उसको हम लिखेंगे। तो हम पहले चेक करते हैं, ये भी फोर डिजिट की वैल्यू है, 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 ये कौन सी डिजिट की वैल्यू है बच्चों, ये है थ्री डिजिट की वैल्यू। इट मीन्स ये क्या होगी, सबसे छोटी होगी। अब बात आती है इन चारों नंबर्स की, इन चारों नंबर्स में हम क्या करेंगे, ये कौन सी वैल्यूज हैं, ये थाउजेंड वाली वैल्यूज है। तो थाउजेंड वाली वैल्यूज में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक ऑन थाउजेंड प्लेस, है ना, फिर उसके बाद हंड्रेड प्लेस, फिर टेंस, फिर वंस, ऐसे हम सारी फोर डिजिट वाली वैल्यूज को चेक करेंगे। तो हमने चेक करा थाउजेंड वाली प्लेस पर जो फोर डिजिट की वैल्यूज है, पहली वाली वैल्यूज में इन फर्स्ट वैल्यू देयर इज थ्री ऑन थाउजेंड प्लेस एंड इन सेकेंड वैल्यू देयर इज टू ऑन थाउजेंड प्लेस, इट मीन्स ये इससे छोटा है। एंड आफ्टर दैट ऑन थर्ड वैल्यू देयर इज सिक्स ऑन थाउजेंड प्लेस, ओके, इट मीन्स ये क्या है, इन तीनों में सबसे बड़ा है। एंड आफ्टर दैट फोर्थ वैल्यू से कंपेयर करते हैं, तो फोर्थ वैल्यू क्या है, इन तीनों वैल्यूज से छोटी है, है ना बच्चों। तो इट मीन्स दिस विल बी कम ऑन सेकेंड प्लेस इन असेंडिंग ऑर्डर, ओके। अब बचे हमारे पास थ्री वैल्यूज, इन थ्री वैल्यूज में थाउजेंड की प्लेस पर, कौन सी प्लेस पर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक ऑन थाउजेंड प्लेस एंड आफ्टर दैट वी विल चेक हंड्रेड प्लेस एंड देन टेंथ प्लेस एंड देन वंस प्लेस, ओके, थाउजेंड हंड्रेड टेंस वंस, ओके स्टूडेंट्स। तो हमारी कौन सी हो गई, ये वाली वैल्यू हो गई। अब इस तीनों वैल्यू में चेक करना है, इन तीनों वैल्यू में थाउजेंड की प्लेस पर सबसे बड़ी वैल्यू ये है, उससे छोटी ये, उससे छोटी ये, इट मीन्स दिस विल कम ऑन थर्ड प्लेस एंड आफ्टर दैट वी हैव रिमेनिंग टू वैल्यूज, बोथ टू वैल्यूज वी विल, व्हेन वी विल कंपेयर ऑन थाउजेंड प्लेस, तो वी विल सी कि दिस वैल्यू इज लेस देन दिस वैल्यू, इट मीन्स इट विल बी कम ऑन फोर्थ प्लेस, ओके, एंड आफ्टर दैट एट लास्ट दिस विल बी कम ऑन फिफ्थ प्लेस, ओके। तो हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में डिनोट कर देंगे। सबसे पहली वैल्यू हमारी कौन सी है बच्चों, 735, सेकंड वैल्यू कौन सी है 1598, आप मेरे साथ बोलते रहिए, एंड थर्ड वैल्यू हमारे पास होगी 2013 एंड फोर्थ वैल्यू होगी 3619 एंड लास्ट वैल्यू होगी 6354, ओके। अब हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, क्या लिखना है बच्चों, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम सीखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में होता क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है वो फर्स्ट प्लेस पर आती है। तो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है इन सब में, अभी हमने देखा ना 6354, जैसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में चेक करा था ऐसे ही वी विल चेक इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑल्सो। एंड सेकेंड प्लेस पर कौन सी वैल्यू आएगी बच्चों, 3619 एंड थर्ड प्लेस पर 2013 मींस 2013 एंड फोर्थ प्लेस 1598 मींस 1519 एंड एट लास्ट 735। तो आज हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन में, कैसे हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर डिफाइन करते हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 में इसका असेंडिंग ऑर्डर निकालना है, कौन सा ऑर्डर निकालना है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बस असेंडिंग ऑर्डर निकालना था, इसका जो डिसेंडिंग ऑर्डर है क्वेश्चन नंबर 10 में यूज करना है इसको हमें, क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 में देयर इज रिटन ओनली असेंडिंग ऑर्डर एंड इन द क्वेश्चन नंबर 10 देयर इज रिटन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको जैसे हमने क्या करा था, थाउजेंड्स की प्लेस की वैल्यू सबसे पहले चेक करी थी, वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 10 में भी ऐसे ही थाउजेंड्स की प्लेस की वैल्यू को चेक करके हमें उसे कौन से ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करना है, ओके। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज सेल्फ प्रैक्टिस फर्स्ट ए। अब हम करेंगे फर्स्ट बी। फर्स्ट बी देखने के लिए आपको दूसरा वीडियो पार्ट देखना पड़ेगा।